गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह उठ के मैं आ चुका हूँ। आते ही पहले मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है। ठीक है, रोहन बाहर गया था तो वहां से मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेके आया। क्या लेके आया चलिए गाइस, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो गाइस ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट, देखो पिटाई पराठा और उसके साथ घुगनी। ठीक है, तो यही आज मेरा ब्रेकफास्ट जो कि रोहन लेके आया है। सुबह सुबह गया था, अपना ब्रेकफास्ट भी लेके आया और मेरे लिए भी लेके आया। तो ये है पिटाई पराठा और घुगनी। पिटाई पराठा जो है सिर्फ कोलकाता में मिलता है और ऐसा ही सेम चीज़ आपको साउथ में भी मिल जाएगा, बट वो केरला परोठा होता है और वो सांभर और चिकन करी के साथ सर्व होता है। तो चलो गाइज, मैं अपना आज ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइज अभी तो दोपहर को जो है बन रहा है मटन। उससे पहले मैंने सोचा है कि कुछ खट्टा खाया जाए। तो देखो अभी तो मैंगो का सीजन जो है स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे रॉ मैंगो काट लिया मैंने और उसके ऊपर भी मैं डाल रहा हूँ मिर्ची पाउडर और नमक और उसके साथ है जीरा पाउडर है हल्का सा। ठीक है, किस किस को रॉ मैंगो खाना पसंद है कमेंट सेक्शन में बताना गाइस। मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें थोड़ा सा चीनी का भी पाउडर अगर मिले ना, शुगर पाउडर, तो वो भी डालना तो और अच्छा लगेगा एकदम। तो गाइस अभी मैं से खा के मैंने क्या किया पता है, इसमें थोड़ा सा गुड़ वाला पानी इसमें ऐड कर दिया। गुड़ को मतलब थोड़ा सा वाटर ऐड करके उसको एक सिरप जैसा बना के ऊपर से ऐड कर दिया, जिससे ये स्वीट सॉल्टी टैंगी स्पाइसी सब फ्लेवर एक साथ में आ रहा है। किस किस को मेरा ये वीडियो देख के मन कर रहा है मैंगो खाने का, ये लो खा लो। तो गाइस किचन जो है बहुत ज्यादा मेसी हो गया, इसीलिए मैं यहाँ पे लेके आ गया। अभी आम खाने के बाद मैंने सोचा कि पापा चिकन ले गए हैं तो चिकन का कटलेट जैसा बना दूं, और ये प्रॉन था तो प्रॉन में मैंने सोचा था कि वो जैसे बबल जैसा फूल जाता वैसा बनाऊं, बट हुआ नहीं। बट जो भी हो बहुत अच्छे से बनाया दोनों का, दोनों बहुत क्रिस्पी है। ठीक है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखो साउंड तो आप लोग को आ ही रहा होगा कि कितना क्रिस्पी बना है ये, और अंदर से भी पूरा पक गया देखो। ठीक है, जो मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ और उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि कैसा बना है क्या बना है। वेट। कैसे है जी पकौड़ा, क्रिस्पी है जी ना? बहुत तगड़ा टेस्टी है। अगर मेरा लड़का को मैं होटल में दे दूं तो वो आज एक महीना में 5 लाख रुपया कमाएगा, इतना पैसा ही पैसा होगा। तो गाइस देखो ये है मेरे आज का लंच, मटन करी चिकन पकोड़ा राइस एंड उसके साथ साथ है ये पुई घंटो जो कि मैंने बनाया था उस दिन का, था थोड़ा सा कल ही बनाया था वो तो था थोड़ा सा, तो यही है आलू ही है उसमें, पुई साग बहुत कमी है। तो यही है आज का मेरा लंच और पकोड़ा वगोड़ा सब खा चुके हैं, बस दो ही पीस बचा था, मैंने नहीं खाया था बनाने के टाइम पे, तो वही खाऊंगा। और ये है मटन और ये है राइस और क्या, और पापा का रिव्यू तो आप लोगों ने सुना ही, बोल रहे हैं 5 लाख मिलेगा अगर होटल में काम करूंगा तो। ठीक है, तो चलो गाइस अभी मैं अपना लंच कर लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। लंच वगैरह हो चुका, मीठा खाने का मन कर रहा है तो चलो खुद से बनाते हैं एक मीठा, मतलब मीठा वाला रेसिपी, चॉकलेट का रेसिपी जो कि मैंने अभी YouTube पे देखा कि वो कैसे बना रहे हैं, बहुत ही सिंपल वे में बना रहे हैं। तो चलो इसको ट्राई करते हैं घर पे, ये मतलब सक्सेसफुल होता है कि क्या, जो भी होगा मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर करूंगा। तो गाइज देखो ये मैंने एक हैक से देखा है, एंड ये मैं एक तो फैन का बंद कर चुकी आवाज हो गई ना थोड़ी देर। तो गाइज ये मैंने हैक देखा था एक यूट्यूब पे, तो पहले जो है उन्होंने चॉकलेट को डाल दिया था एक ब्लेंडर में, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया अपने जार में। ठीक है, अब इसमें मैं जो है थोड़ा हल्का गुनगुना वाला पानी जो है ऐड करके बस ग्राइंड कर लूंगा, और चॉकलेट जो है पूरा का पूरा मेल्ट है, ये नहीं कि ये हार्ड है नहीं तो ग्राइंडर टूट जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें अब जो हल्का गुनगुना पानी ऐड करूंगा, मतलब ग्राइंड करने के बाद ये निकला रिजल्ट। ठीक है, अभी मैं जो है इसको फ्रिज में रख दूंगा कुछ घंटों के लिए, उसके बाद देखते हैं जो हैक है वो सही है कि गलत है। अभी तो ये एकदम वाटर जैसा है, इसको फ्रिज में रखने के बाद पता चलेगा कि क्या बनता है क्या नहीं। 2 hours later. तो गाइस चॉकलेट मूस जो है रेडी हो गया गाइस, सच में जो हैक था वो एकदम मतलब सक्सेसफुल हुआ, इसीलिए मैंने इतना डेकोरेशन किया, आप समझ ही पा रहे होंगे। और अभी मैं जो है फाइनल रिजल्ट आप लोग को दिखाऊंगा। ऊपर से मैंने थोड़ा सा कोको पाउडर डाला है और यहाँ पे भी मैंने कोको पाउडर से ऐसा मतलब डिज़ाइन बनाया है, और
अभी जो है मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि ये चॉकलेट मूस जो है प्रॉपरली सेट हो गया कि नहीं। देखो गाइस अभी देख रहे हो पूरा का पूरा मतलब एकदम क्रीमी टेक्सचर में आ गया है। ठीक है देख पा रहे हो मतलब बिल्कुल लिक्विड नहीं है अब पूरा क्रीमी हो गया है। तो अभी मैं इसको टेस्ट करके आप लोगों को बताऊंगा कि कैसा लग रहा है। गाइस बहुत ज्यादा क्रीमी बना है। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे मतलब चॉकलेट बार और पानी से इतना क्रीमी मूस बन जाएगा। मैंने कुछ थोड़ा जल्दी निकाल लिया इसलिए थोड़ा सा लिक्विड ही है। अगर आप लोग और थोड़ा देर अगर मैं और थोड़ा देर रखता तो मतलब और अच्छे से शायद सेट हो जाता। तो जो भी हो ये हैक जो है पास है। और अगर आपके घर में वेफर्स वगैरह वो भी इसमें ऐड करना और खाना बहुत ही टेस्टी बना है बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है Later that same evening. तो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 7:30। ठीक है तो अभी मैं एक कंपैरिजन वीडियो बनाने जा रहा हूँ मोमो वर्सेस स्ट्रीट मोमो वर्सेस ब्रांडेड मोमो। तो वो वीडियो जो है मैं अलग वीडियो में डालूंगा ब्लॉग के साथ नहीं डाल रहा हूँ तो आप लोग को देखने को मिलेगा अलग से और अच्छा भी लगेगा आप लोगों को कि फूड जो है आपको डिफरेंट वे में देखने को मिल रहा है। फूड रिव्यू वीडियो हो कंपैरिजन वीडियो हो या फिर कोई भी वीडियो हो जो कि रिलेटेड टू फूड होगा तो वो अलग ही रहेगा मतलब इसी चैनल पे ही रहेगा बट अलग से मैं डालूंगा क्योंकि ब्लॉग के साथ डालने से बहुत ज्यादा ही बड़ा हो जाता है और आप लोग को देखने में अच्छा भी नहीं लगता होगा। तो जो भी हो आज जो है अभी मैं शूट करने जा रहा हूँ वो इसके साथ नहीं होगा वो अलग से मैं डालूंगा आप लोग को देखने को मिलेगा। कितना जुगाड़ लगा के हम लोगों ने वीडियो बनाया है तो वो वाला वीडियो जो है मैं डाल दूंगा आप लोग जरूर देखना। इसी वीडियो के बाद बाद आप लोग को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखो वीडियो शूट खत्म हुआ कि नहीं खाना शुरू हो गया है। ये भी देख लो ये भी इधर रखा हुआ है। पता है गाइस फोन इतना गर्म हो जा रहा है कि पनीर बर्फ हो रखा है इसमें चिपका चिपका के मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ। मतलब क्या ही बोलू क्या ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो गाइज अभी आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे मुझे पता है बट मैंने जो अपना फूड वाला कल वीडियो मतलब कंपैरिजन वाला वीडियो वो डाल दिया है जाओ जल्दी उसे भी देखना इसको देखने के बाद अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो। और जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि अच्छा लगा कि नहीं। सीरियसली बोल रहा हूँ गाइज अगर आप लोग अच्छा लगेगा तो मैं इसके बाद और भी ऐसे कंपैरिजन वाले वीडियोस लेके आऊंगा। लेटर दैट नाइट अभी हम लोग बाहर आए हुए थे माउंटेन ड्यू खरीदने और यहाँ पे इतना अंधेरा हो गया क्योंकि बिल्डिंग में लाशा नहीं है लाइट नहीं है कुछ अंधेरा हो गया। और अभी हम लोग माउंटेन ड्यू खरीद के लेके आए बहुत गर्मी है गाइस और डर के आगे जीत है। ठीक है चलो घर पे चलते हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आज था संडे और फंडे और होप करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा कंपैरिजन वाला फूड कंपैरिजन वीडियो भी देख लिया होगा। अगर आपको वो वाला वीडियो भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि वैसे वीडियोस मैं और बनाऊं कि नहीं। और अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो फिर मैं वैसे और भी वीडियोस बनाऊंगा। और क्या बस इतना ही आज के लिए और मैक्सो बोल दो सबको मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ये खाली सोता ही रहता है।